हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी। यहाँ पे आज स्टार्ट करते हैं जेई के कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, विद कंसेप्ट होगा। तो क्वेश्चन जो है डोमेन एंड रेंज का, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, जेई में भी पूछा जाता है, एंड आपके जो भी बोर्ड लेवल के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। बेसिकली ये बोल सकते हैं कि आप अगर मैथमेटिक्स में अच्छा होना चाह रहे हैं तो आपको फंक्शन आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कमांड फंक्शन चैप्टर में नहीं है तो आप समझ लीजिए मैथमेटिक्स में आपका कमांड है ही नहीं, ठीक है। तो जो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं आपका, जैसे जेई एडवांस के क्वेश्चंस हो गए, तो मोस्टली वो इसी फंक्शन चैप्टर से ही रिलेटेड होते हैं। और ये फंक्शन चैप्टर आपका ऐसा है कि सारे टॉपिक में मिल जाएगा आपको, वो आप चाहे इंटीग्रेशन पढ़िए, डिफ्रेंशिएशन पढ़िए, ठीक है, एंड अदर एलजेब्रा में भी यूज़ होता है इसका। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। मैं इसका लेक्चर भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तो वो लगभग होगा 15-20 आवर्स का, तो कंप्लीट करेंगे साथ में। तब तक बने रहिए आप लोग, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बेस 9, ठीक है। ये इसका डोमेन फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे क्या होगा वो देख लेते हैं, जिसमें केवल साइन इनवर्स के बारे में बताएंगे आज, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। बाकी के अदर जो होंगे वो ऐसे ही कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा और वहीं पर डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें साइन इनवर्स का, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का, सपोज वी हैव अज्यूम्ड इट एज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये साइन इनवर्स आप थोड़ा बाकायदे लिख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होगा वो होता है आपका -1 and 1 के इन बिटवीन, क्लोज ब्रैकेट है, मीन्स -1 and 1 के एग्जैक्टली इक्वल होगा, ठीक है। एंड रेंज का क्या है सीन यहाँ पे, रेंज ये होगा आपका -π/2 to +π/2, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज कोई फंक्शन गिवन है यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, एक्स होगा, ठीक है। फॉर ऑल, ये जो सिंबल होता है ना, ये फॉर ऑल का होता है, किसका होता है, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे ऐसे ही अगर हम बात करेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू भी एक्स ही होगा, क्योंकि साइन एंड साइन इनवर्स है तो ये तो कैंसिल हो जाना है, वैसे रिमेनिंग बचेगा एक्स, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ओके। तो ये यहाँ पे एक तरह से एक्स का वैल्यू जो है वो बता रहा है, मीन्स एक तरह से आपको रेंज मिल जा रहा है यहाँ पे, एंड डोमेन भी फाइंड आउट कर लेते हैं इसी से, ठीक है। एंड अगर गिवेन है यहाँ पे साइन इनवर्स -x, तो इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, -sin inverse x, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 and 1, क्लियर है। तो ये वैल्यूज आपको लर्न होना चाहिए पूरा। एंड इसका अगर डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे साइन इनवर्स x का, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, स्केल तो है नहीं यहाँ पे, हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रेट आएगा, एंड ये आपका वाई एक्सिस हो गया, एंड ये प्लस में π/2 है यहाँ पे, एंड माइनस में π/2 है, क्योंकि हमने जो देखा था इसका रेंज वो प्लस में -π/2 to +π/2 रेंज है यहाँ पे, एंड डोमेन क्या है, -1 to 1 है। तो जो भी वैल्यू होगा
ये इस साइड में वन एज्यूम कर लिया एंड यहाँ पे माइनस वन एज्यूम कर लिया, तो जो भी डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे ये आपका कुछ ऐसा होगा ये डायग्राम, ठीक है? तो समझ में आ रहा है ये किसका है डायग्राम? यहाँ पे साइन साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू का, ठीक है? तो ये किसका हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स, ये इसका डायग्राम हो गया। तो ये जितना भी डेटा है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का, वो आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? अब इनके सॉल्यूशन पे आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा? माइनस वन टू वन हो जाएगा। एंड रेंज कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू हो जाना है। अगर साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा है इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल हो जाना है, रिमेनिंग एक्स बचेगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई प्लस पाई बाई टू, ओके। एंड ईयर साइन साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो भी वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? एक्स हो जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, एंड हियर साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। एंड यहाँ पे जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पे, ठीक है? ये यहाँ पे बताया। तो जो एक्स एक्सिस में है वो इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। जो वाई एक्सिस में है वो रेंज को बताएगा, ठीक है? जैसे कोई फंक्शन यहाँ पे एक्स एंड वाई में लिखा हुआ है, तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? डोमेन हो जाएगा। एंड वाई यहाँ पे क्या हो जाता है? रेंज हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब आते हैं हम इनके सॉल्यूशन में, ठीक है? तो सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या होगा? ऑलरेडी फंक्शन गिवन है यहाँ पे, फंक्शन यहाँ पे गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन फोर बेस नाइन, ठीक है? तो अभी अभी हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि जो भी डोमेन होता है साइन इनवर्स एक्स का, जो भी डोमेन है इसका साइन इनवर्स एक्स का, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वो कितना देखा हम लोगों ने यहाँ पे? इज माइनस वन टू वन, ओके। यही पढ़े अभी हम लोग। तो अब देखिएगा यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन फोर बेस नाइन, ठीक है? ये इसको कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं जो भी इसका डोमेन है। इनके इन बिटवीन वैल्यू होगा, मीन्स ये जो वैल्यू होना चाहिए लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन फोर बेस नाइन, ये माइनस वन एंड वन के इन बिटवीन होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर सपोज इसके इन बिटवीन है तो क्या होगा यहाँ पे? माइनस वन इज लेस देन आर इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन फोर बेस नाइन इज लेस देन आर इक्वल टू प्लस वन, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा आपको बता देते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन अगर गिवन है तो वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई है, सो हियर वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू, ये जो भी बेस है ना ये यहाँ पे आएगा एंड ई पावर वाई हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बेस में क्या है? नाइन है, नाइन इस साइड में आएगा तो नाइन पावर माइनस वन हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू लॉग, लॉग तो हट जाएगा क्योंकि एंटी लॉग लिए हैं तभी ये इस तरीके से होगा, ठीक है ना? यहाँ पे तो एंटी लॉग लेने पे नाइन जो बेस है वो इस साइड में आएगा, नाइन पावर माइनस वन हो जाना, इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर इज लेस देन आर इक्वल टू नाइन पावर वन। तो ये दोनों साइड में आएगा, नाइन पावर इधर वन हो जाएगा, इधर नाइन पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है? अगर इन्हीं को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें हम लोग तो क्या हो जाएगा? नाइन पावर माइनस वन को वन अपॉन नाइन लिख सकते हैं, और ये जो फोर है इससे भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इधर डिवीजन में है, इस साइड में जाएगा मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों इक्वेशंस में अगर हम देखें, फोर इधर इस साइड में आएगा तो फोर अपॉन नाइन हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू फोर नाइन ज़ा 36 हो गया, ठीक है? फोर नाइन ज़ा 36 हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
अगर हम स्क्वायर रूट ले यहाँ पे, तो ये 2/3 इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू, अगर हम मॉड को प्लस में भी ले सकते हैं, मॉड एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस एक्स हो सकता है यहाँ पे। अगर प्लस एक्स है तो फिर तो वैल्यू पॉजिटिव में होगा, एंड माइनस एक्स है तो दोनों, ये जो -2/3 है, ये +2/3 जो है वो -2/3 हो जाना है, एंड यहाँ पे -6 हो जाएगा, ठीक है। एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो, क्योंकि अगर हम प्लस लेंगे, इसको हम पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको, जैसे 2/3 इज लेस देन आर इक्वल टू प्लस में एक्स लिया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो होगा वो तो सेम होगा, एंड अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो, ये तो पॉजिटिव साइन लिया यहाँ पे, ठीक है, एंड अगर नेगेटिव साइन यहाँ पे लेते हैं तो 2/3 इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 6 हो जाएगा यहाँ पे। और -1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो सारे टर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2/3, और ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ना यहाँ पे, ये चेंज हो जाएगा, जो लेस देन आर इक्वल टू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -6 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जो एक्स का वैल्यू होगा वो -2/3 टू 6 के इन बिटवीन होगा यहाँ पे कहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इस फॉर्मेट में अगर इसको जनरलाइज करके बताना चाहें अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू -b/(-a) यूनियन ऑफ a/(b), क्लियर है। तो अभी ऐसे ही सेम यहाँ पे लिखेंगे हम, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -b/(-a) है, -b के प्लेस पे क्या होगा, -6, एंड a के प्लेस पे क्या है, -2/3 यूनियन यहाँ पे a के प्लेस पे 2/3 एंड b के प्लेस पे 6 है, ठीक है। तो b के प्लेस पे यहाँ पे 6 है, इसका जो डोमेन आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, अब ये आप लोगों का क्वेश्चन होगा, सर कुछ समझ में नहीं आया, ये वाला टर्म कैसे आ गया, तो ये जनरल फॉर्मूला होता है यहाँ पे, जो कि आपको पता होना चाहिए अगर इस फॉर्मेट में गिवेन है, ठीक है। ए इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी, देन हियर वी कैन राइट इट्स डोमेन एज एक्स बिलोंग्स टू -b/(-a) यूनियन ऑफ ए बी, क्लियर है। तो हमने सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया हुआ है, बी के प्लेस पे -6 है एंड ए के प्लेस पे -2/3 है, सो -b/(-a) है, -6 -2/3 यूनियन ऑफ 2/3 एंड 6 होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आप लोगों को कुछ, ठीक है। यहाँ पे कोशिश किया हूँ मैं सारी चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन करके बताने का, ठीक है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ मैं यहाँ पे, जैसे फंक्शन बताया मैं आपको, फिर उसके बाद जो भी सॉल्यूशन होगा इसका वो बताया मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से, इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाएगा, एंड फंक्शंस के कंसेप्ट धीरे धीरे आपके डेवलप होंगे। आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो साथ में लगे रहिए ऐसे ही, सारा क्वेश्चंस को ले लेके हम सारे कंसेप्ट को एक तरह से एक्सप्लेन करते जाएंगे, और कुछ लेक्चर यहाँ पे ऐसा भी बनाएंगे जो केवल डिवोटेड होगा आपके फंक्शन से, या डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो वो उसका वीडियोज़ भी अलग अलग करके बनाते चले जाएंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो एकेडमिक्स वाले हैं उनके लिए भी कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं, थोड़ा समय का अभाव है, एंड चैनल वगैरह सब्सक्राइब करिए, थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़े, ठीक है। तो मज़ा आएगा फिर साथ में करने में, ठीक है। बस यही इतना है, और मन लगा के पढ़ते रहिए आप लोग, हम भी लगे रहते हैं आप लोगों के साथ में, मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।